गुड मॉर्निंग गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज दिन की शुरुआत कर रही हूँ चाय से और जल्दी से रेडी होके मैं आ गई हूँ ऑफिस। ऑफिस में काफ़ी सारे ऑर्डर्स थे आभारी के जो पैक करने थे, तो वो पैक कर रही हूँ। और आप लोग तो टाइम लैप्स में देख रहे हो और बहुत कम फुटेज देख रहे हो, बट मेरी पूरी की पूरी सुबह ऑर्डर्स पैक करने में ही चली गई। एंड अब ऑर्डर्स को भेज के, जो पिकअप के भैया होते हैं उनके साथ भेज के, नाउ आई हैव कम बैक होम, क्योंकि दोपहर हो गई है और मैं अपना प्रोटीन शेक ले रही हूँ अब। और मैं निकल गई हूँ अब अपने बाल कलर करवाने के लिए। आप लोगों ने लास्ट वीडियो में शायद नोटिस भी किया था, बहुत सारे ग्रे हेयर हो रखे थे, तो मैंने कहा यार आज अब सबसे पहले जाके ना ग्रे हेयर मतलब रूट टचअप करवा के आती हूँ, उसके बाद ही कुछ आगे और किया जाएगा। वो करवा के मैं आई घर, मैंने थोड़ा सा मुझे थोड़ा मेल्स वगैरह का रिस्पॉन्स देना था, वो दिया। उसके बाद अब मैं हो रही हूँ रेडी, बिकॉज मुझे आप लोगों को दिखाना है मोमोसो से मैं क्या क्या लेके आई, और मेरा थोड़ा सा रेडी होने का मन कर रहा है। आराम से बैठ के फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं मोमोसो से क्या क्या लेके आई। सो लेट्स क्विकली फिनिश द मेकअप एंड गेट स्टार्टेड। सुबह से ऑर्डर्स पैक कर रही थी, मतलब मेरी सारी सुबह उसी में निकली है, दोपहर हो गई थी मुझे ऑर्डर्स पैक करते करते। टच वुड आई हैव नो कंप्लेंट्स, बट कमर की मेरी वाट लग जाती है जब मैं खड़े होके या फिर ऐसे स्ट्रेट, अगर मैं सिट डाउन वीडियोस भी करती हूँ ना किसी दिन, अगर एक से ज़्यादा, तो उस दिन भी ऐसे ही होता है कि अगर जब भी मैं कमर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेट रखती हूँ ना किसी रीज़न से, खड़े होके या फिर बैठ के, तो मेरी कमर की वाट बहुत लग जाती है। एनीवे, अभी अभी डिलीवरी हुई है हमारी माइक की। रिसेंट आपने यूएस वाली जो भी दो वीडियोज़ देखी है मेरी, क्वेश्चन आंसर्स वाली और बजट रिलेटेड, उन दोनों में आप लोगों ने मुझे कंप्लेन किया था कि आवाज़ अच्छी नहीं है, गूंज रही है, ऑल ऑफ दैट। दैट्स बिकॉज मैं कैमरे का जो इनबिल्ट माइक है बस वही यूज़ करके कर रही थी, बट क्योंकि कैमरा थोड़ा दूर रखा होता है तो वो फिर आसपास की आवाज़ भी लेता है, तो फिर मुझे करना ही था ऑर्डर माइक। सो मैंने ये ऑर्डर किया फाइनली, डिजिटेक का प्रोफेशनल वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम। तो इसको खोलते हैं हम, वेरी एक्साइटेड, वेरी नाइस पैकिंग यार। सो दिस इज द पूरा सेटअप, यहाँ पे सारी वायर वगैरह सब कुछ है, और यहाँ पे ये तीन चीजें हैं। ओके, सो एक है रिसीवर, यानी जो आई थिंक कैमरा पे लगेगा, और दो है ट्रांसमीटर। तो अगर मान लो दो लोग हैं वीडियो शूट करने के लिए, जैसे मान लो मैं और कमल कभी कभी शूट करते हैं, तो एक के पास माइक है और एक के पास नहीं होता, तो इन दैट केस उन्होंने दो ट्रांसमीटर्स दिए हैं, तो दो लोग भी आराम से उसे यूज करके सेम वीडियो में बैठ सकते हैं। फाइनली द माइक इज हियर, इसे हम धीरे धीरे सेटअप करना शुरू करेंगे। मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूं कि अब धीरे धीरे मैं कर रही हूँ सेटअप, वापस से धीरे धीरे से फिगर आउट करूंगी। बाय द वे, मैंने ये वृति की रिकमेंडेशन पे लिया, बिकॉज वृति माय फ्रेंड यूजेस दिस माइक, तो मैंने ट्राइड एंड टेस्टेड मंगाने में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टेड थी, तो यस ठीक है। अब इसके बाद मुझे आपको दिखाना है, जो आप लोगों ने लास्ट व्लॉग देखा था उसमें आपने देखा था कि मैं जब स्मैश यानी जोरेको गई थी, अगर नहीं देखा है वो वाला पिछला व्लॉग तो आप देख लो तो आपको समझ आ जाएगा। तो वहाँ पे मैं मोमोसो नाम की एक जगह पे गई थी, जहाँ पे मैं लेने सॉक्स गई थी किसी कारण से, बट मुझे और भी चीज़ें समझ में आ रही थी थोड़ी जिनकी मुझे ज़रूरत थी, तो मैं वो ले आई थी। तो मोमोसो का हॉल इस वीडियो में कर लेते हैं, बट आई नीड टू हैव माई कोलाजन ड्रिंक फर्स्ट। दिस इज वेज कोलाजन फ्रॉम HK Vitals, जिनका कोलाजन मैं हमेशा से लेती आ रही थी, आपको याद होगा, बट विद ऑल द ट्रैवल एंड ऑल ऑफ दैट थोड़ा सा रूटीन मेरा बिगड़ गया, थोड़ा सा इरेगुलर हो गई मैं, बट अब मैं वापस अपनी ये जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ। एंड आई विल मेक श्योर दैट आई शेयर माई एंटायर स्किन जर्नी एंड द रिजल्ट विद यू फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, बिकॉज इससे सही में मुझे मेरी स्किन में इतना फर्क नजर आ रहा था ना जब मैं इसे रेगुलरली कंज्यूम कर रही थी। दिस इज 100% वेज कोलाजन, ऑल्सो इट्स नॉट कोलाजन बिल्डर बट रियल वेजिटेरियन पेप्टाइड्स, एंड ये क्लिनिकली प्रूवन भी है टू रिड्यूस साइंस ऑफ एजिंग। आई जस्ट टेक हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर एंड मिक्स वन स्कूप ऑफ दिस इन द वॉटर एंड ड्रिंक, सिंपल। ओके जी, अब मैं आपको फाइनली दिखाती हूँ क्या क्या लेके आई उस दिन में। मोमोसो का ये मेन सामान, उसके अलावा आपको पता ही है वो तवा है, वो मैंने वीडियो में आपको लास्ट वाली में ही दिखा दिया है, अभी वो क्योंकि यूज होना चालू हो चुका है तो इसलिए अभी मैं उसे लेके नहीं आ रही हूँ, बट ये ट्रे अभी हमने यूज करनी शुरू नहीं की है। वैसे आपने उस वीडियो में देख ली थी, बट अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सी ट्रे हम लेके आए थे, ये वाली, दिस इज द ट्रे। सो बेसिकली वी वर लुकिंग फॉर अ रियली रियली बिग ट्रे, मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी ट्रे हमारी टूटी है जिसकी वजह से हमें ये लेनी पड़ी। ये थी हमारी ट्रे जो हम पहले यूज कर रहे थे एंड काफी टाइम से यूज कर रहे थे, अगर आप देखोगे इसके कॉर्नर्स वगैरह काफी खराब टाइप के हो चुके हैं, बट इतनी स्टर्डी ट्रे इतने वक्त से मैं यूज कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज, कई चीजें होती है ना यार मतलब काफी चल जाती हैं, बट ये देखो यहां से ये टूटी है,
लास्ट वीडियो में बात की थी. सो बेसिकली क्या हो रहा था उसमें, मैंने शेयर भी किया है, कमल भी बता रहा था कि उससे टूटी है. क्या कमल जब उठाता था ना इस ट्रे को, तो कमल एक साइड से उठाता था, कैसे ऐसे उठाता था, ऊपर इतना सारा वेट होता था और कमल एक साइड से उठाता था. मैं उसे हमेशा बोलती थी कमू एक साइड से मत उठाया कर, जब भी उठाया दोनों साइड से उठाया कर, या तो ऐसे या फिर नीचे हाथ रखा कर ऐसे. बट नहीं, बीवी की बात पहले तो माननी नहीं है. काफी टाइम मैं बोलती थी मत उठाया कर, और एक दिन फिर ऐसा ही हुआ. अल्टीमेटली वो यहाँ से उठा रहा था और वो टूट गई उसका हैंडल. नाउ क्या होता ना यार, कई चीजें इतनी अमेजिंग होती है और इतनी अच्छी आपके घर में सेट आ जाती है और आपके हाथ में सेट आ जाती है कि आपको ऐसा लगता है कि यार ये नहीं टूटना चाहिए था. बिकॉज कुछ चीजें ऐसी होती जो जल्दी जल्दी से नहीं मिलती हैं रिपीट में. और वही हुआ हमें, ये साइज हमने उस दिन विवियाना में सारा घूम लिया बट हमें ये साइज नहीं मिला. कमो कमो, इट्स द सेम साइज, ट्रे का लग नहीं रहा था. हाँ, हमें अभी तक ऐसा लग रहा था कि नहीं ये छोटी ट्रे है, नहीं ये छोटी ट्रे है, और हमें लग रहा था यार नहीं मिल रही ट्रे हमें वो साइज की. बट अब मैं इसे मैच कर रही हूँ तो ये बिल्कुल सेम साइज है. आई डोंट नो देखने में ऐसा क्यों लग रहा था, बट ये देखो बिल्कुल सेम साइज है. हाँ, थैंक गॉड. ओके, ठीक है. मे बी इसके डिज़ाइन और इसके डिज़ाइन में जो फ़र्क है ना, उसकी वजह से ये थोड़ी छोटी लग रही है ट्रे. बट एनी वे, आई एम सो हैप्पी. तो ये हम लोगों ने ली होम सेंटर से और ये हमें मिली 1100 रुपीस की. इस पर कोई डिस्काउंट नहीं था, ये 1100 की मिली. ठीक है, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मुमू सो से क्या अजीब सा नाम है यार, मुमू सो से मैं क्या क्या लेके आई. तो सबसे पहले तो मैं लेके आई एक झोला जिसके अंदर सारा सामान है. सो दिस इज़ द झोला एंड ये बड़ा मुझे क्यूट लगा और सस्ता था इसलिए ले आई. आपको पता है मैं ऐसे बैग्स बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ बिकॉज मेरा यहाँ से ऑफिस या यहाँ से बाहर भी जाती हूँ तो मैं मोस्टली थोड़े बड़े बैग उठाती हूँ. कैमरा, सौ फलानी ढमकानी चीज़ें सब आ जाती हैं. तो अभी लास्ट 2-3 बैग्स जो मेरे मैं यूज़ कर रही थी अभी, उनका मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं बहुत ज़्यादा उनको उठा रही हूँ और बहुत बुरा हाल हो गया है. एंड दे आर नॉट इवन एक्सपेंसिव बैग्स, मतलब सस्ते हैं और उनको मैं उनकी मैं रेड़ पीट रही थी. तो ये मुझे दिखा तो मुझे लगा चलो मैं ले लेती हूँ. एंड द कूल थिंग इज़ दैट ये जो आगे पैच लगा हुआ है ना, ये एक्चुअली यहाँ से पॉकेट का भी काम कर रहा है. सो बड़ा क्यूट लगा मुझे. ऊपर लिखा कीप स्माइलिंग, इट मेक्स पीपल वंडर व्हाट यू हैव बीन अप टू. उसके बाद इसके अंदर जो सामान है मैं वो लेके आई. सो एक मैं लेके आई ये मेकअप ब्रश क्लीनर. सो यूजुअली जब मैं अपने मेकअप ब्रशेस क्लीन करती हूँ, मैं यहाँ हाथ पे करती हूँ, ऐसे फेस वॉश लगा लिया और फिर यहाँ पे मैं ऐसे रब करती रहती हूँ अगेंस्ट माय पाम. बट ये सिस्टम मुझे ऐसा लगा कि बहुत बढ़िया रहेगा मेरे लिए बिकॉज अब मैं वापस से काम करना शुरू कर दी हूँ, वापस से अब मैं मेकअप वेकअप करने लग गई हूँ, तो अभी फिर से रेगुलर बेसिस पे मेरे यू नो मेकअप ब्रशेस वगैरह साफ होंगे. तो इसके अंदर जो इसका बेस है ना वो थोड़ा सा खुरदुरा है तो उससे वो अच्छे से क्लीन होगा. दिस इज फॉर 679 रुपीज. उसके अलावा मैं बहुत क्यूट एक ये चीज लेके आई, ऐसे मैं दो लाई थी शायद, आई एम नॉट श्योर, देख के बताती हूँ अभी अंदर. सो हम जब ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल में मैं होटल के अंदर वैसे यूजुअली कई बार होटल्स की जो चप्पलें होती हैं वो जो यू नो स्लिपर्स होते हैं रूम के अंदर पहनने के लिए वो मिल जाते हैं बट कईयों में नहीं मिलते. वर्स्ट थिंग इज मोस्टली आपको पता नहीं होता है कि जब आप होटल पहुंचोगे वहां पे होगी या नहीं होगी. सो मुझे घर से अपनी एक तो घर वाले स्लिपर्स उठाने ही पड़ते हैं. नाउ व्हाट इज दिस, दीज आर स्लिपर्स ओनली बट पैक्ड वेरी नाइसली. सो इसमें क्या है, बाहर पहले पोटली है, उसके अंदर से आपका पेयर ऑफ स्लिपर्स निकलेगा. ये रहे दोनों स्लिपर्स. सो बड़े कॉम्पैक्ट से ये पैक भी हो जाते हैं और बहुत अच्छा मटेरियल भी लग रहा है. ऊपर भी बहुत अच्छा कपड़ा यूज हुआ हुआ है, अंदर हल्की सी पैडिंग है और पीछे ये टेक्सचर है. आई डोंट नो रेक्सीन है क्या है, आई डोंट नो, बट इट्स नॉट लाइक सिर्फ सिंपल कपड़े की चप्पल है. इट्स अ नाइस वन यार, बड़े अच्छे से पैक हो जाता है. दीज आर नॉट बाथरूम स्लिपर्स, दीज आर जस्ट होटल रूम के अंदर पहनने के लिए. तो मैंने कहा एक ले लेते हैं. सो आई वॉज कन्विंसिंग कमल ऑल्सो कि एक और लेते हैं, तेरे लिए भी लेते हैं, बट वो मान नहीं रहा था. अल्टीमेटली हमने लिया वो दूसरा, नहीं लिया वो मुझे याद नहीं है, लिया. सो कमल के लिए हमने सेम लिया बट हमने ये वाला कलर लिया. सो पिंक मेरे लिए हो गया, ब्लू कमल के लिए हो गया. वन पेयर इज फॉर 460 रुपीज. सो 460, बट आई थिंक इट्स वर्थ. बहुत सारे ट्रैवल निकल जाएंगे इसके साथ हमारे, बहुत सारे मल्टीपल. उसके बाद नेक्स्ट मैंने लिया एक ये छोटा सा ज्वेलरी रखने के लिए एक बॉक्स. सो मेरे पास ऑलरेडी एक ज्वेलरी बॉक्स है बट वो इससे काफ़ी बड़ा है एंड मैं उसे कई बार ट्रैवल पे लेके गई हूँ बट कई बार मैं उसे छोड़ गई हूँ. क्यों, आपको अगर आप मुझे जानते हो तो आपको पता होगा कि मैं हार्डली जब भी मैं ट्रैवल पे जाती हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा इयररिंग्स, तो मुझे अभी रिसेंटली तो बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है दैट आई हार्डली कैरी एनी ज्वेलरी विद मी, कि मैं रोज़ रोज़ झुमके वुमके चेंज करने वाले लोगों में से हूँ नहीं. मैं अपने एक कोई गोल्ड डायमंड के कुछ
इयररिंग्स पहन जाती हूँ और मुझे गले में पहनना थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो मैं वो डेंटी से जो नेकलेसेस होते हैं वो लेके जाती हूँ, 4-5, ठीक है, उसमें से भी 2-3 ही बदलती हूँ, वो 1-2 तो ऐसे ही अनटच्ड आ जाते हैं, बट एनीवे, तो वो इतनी कम ज्वेलरी रखने के लिए दैट बॉक्स ऑल्सो वॉज वेरी बिग, सो ये मुझे दिखा काफ़ी छोटा सा, तो मुझे लगा यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये ले लेते हैं, तो इसमें रिंग्स भी आ जाएंगी और यहाँ पे आपके वो आ जाएंगे नेकलेसेस हैंग हो जाएंगे, यहाँ पे रिंग आ जाएगी, यहाँ पे कुछ इयर रिंग्स वगैरह है, तो काफ़ी चीज़ें हैं, तो काफ़ी कॉम्पैक्ट लगा मुझे, तो ये मैंने ले लिया। दिस वॉज फॉर 449 रुपीज़। ओके, उसके बाद मैं लेके आई मोमोसेओ की एक चिली चाय, ब्लैक टी विथ चिलीज, वहाँ पे बहुत सारे चाय के फ्लेवर्स थे, कुछ ग्रीन टीज, कैमोमिल टी या फिर ब्लैक टी, दिस आई थॉट आई विल गिव अ ट्राई बिकॉज ब्लैक टी विथ चिलीज, तो मैंने कहा यार ये कुछ डिफरेंट होना है, इसके शायद अंदर से थोड़ी सी मिर्ची मिर्ची वाला फ्लेवर आएगा, सब ट्राई करके देखते हैं, तो ये छोटी सी पैकिंग थी वहाँ पे, ये मैंने ले ली और ये मुझे मिली 150 रुपीज़ की, 150 रुपये की, आई थिंक आराम से 15-20 बार चाय बन जाएगी, बाकी बना के पता चलेगा कि कितनी क्वांटिटी मुझे एक बार में लग रही है। एनीवे, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ मैंने ली, एक परफ्यूम लिया, मैंने जब इसका टेस्टर ट्राई किया था मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने एक पेल फायर नाम का एक ही परफ्यूम ले लिया, दिस इज 499 रुपीज़, 500 रुपये का, ज़्यादा महंगा नहीं है। ओके, उसके बाद द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट वॉज ये सॉक्स, जिन्हें लेने के लिए एक्चुअली मैं गई थी मोमोसो और बाकी चीज़ें मैंने ली, 3 का पेयर था, ये यूज्ड है और ये न्यू है, ये 3 का पेयर था, मुझे याद नहीं है कितने का था बट 200-300 रुपये का आसपास का था। दिस प्लेस इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू मिनीसो, मतलब जैसे मिनीसो में सामान मिलता है वैसा ही मोमोसो में मिलता है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि मिनीसो वालों का ही मोमोसो हो। उसके बाद मैं एक ये हेयर ड्राइंग टॉवल लेके आई हूँ, इसका जो फैब्रिक है वो बहुत सॉफ्ट है, इट इज़ नॉट लाइक द नॉर्मल रेगुलर टॉवल्स दैट आई यूज़ फॉर माई बॉडी, वो बहुत खुरदुरे होते हैं और मुझे तो एक्चुअली बहुत खुरदुरे वाले पसंद आते हैं, अगर बहुत सॉफ्ट होगा ना बॉडी पे तो मुझे ऐसा मुझे अच्छा ही नहीं लगेगा वो टॉवल, मैं ऐसे टॉवल्स खरीदती भी नहीं हूँ, मुझे खुरदुरे पसंद है, बट जो ऐसे खुरदुरे और हार्ड जो टॉवल्स होते हैं ना दे आर नॉट गुड फॉर योर हेयर, ये लेके आई एक बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक का ये हेयर के लिए टॉवल है, सो एक मैं ये लेके आई, दिस इज फॉर 299 रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट हम ये बहुत ही क्यूट चीज़ लेके आए हैं, ये एक पैन है, इस पे आप ऑमलेट अगर आपको बनाना है एक अंडे का आराम से बन जाएगा, या फिर आपको जो सनी साइड अप बनाना होता है वो, उसके लिए स्पेशली मैं लेके आई हूँ, 2 अंडों का सनी साइड अप इस पे बहुत अच्छे से आराम से बन जाएगा, सो सनी साइड अप जब मैं 2 अंडों का बनाती हूँ ना बड़े तवे पे वो सारा फैल जाता है इधर उधर, यू नो हाउ इट इज़ राइट, तो इसलिए ये दिखा तो हमने कहा एक ये ले लेते हैं, दिस इज़ फॉर 549 रुपीज़, क्यूट है बहुत। उसके बाद नेक्स्ट मैं लेके आई हूँ ब्लॉटिंग पेपर, अब क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमिडिटी वाला मौसम हो चुका है, बारिशें पड़ती है तो साथ में ह्यूमिड बहुत हो जाता है, तो मुझे ब्लॉटिंग शीट लेनी ही थी, मैं अमेजोन या नायका से ऑर्डर करने का रिसेंटली सोच ही रही थी तो मुझे दिख गई तो मैंने ले ली, इसमें 100 शीट्स हैं और ये कैट की शेप का बना हुआ है, कार्टून ऑयल ब्लॉटिंग पेपर कैट, ये मुझे मिला है 249 रुपीज़ का। उसके बाद लास्ट चीज़ हम लेके आए कप, बहुत सुंदर कप मिले हैं, 2 का मैं सेट लेके आई हूँ, एक ये और एक ये, अच्छा सेम ही है, सॉरी हाँ सेम कलर के उठाए हैं मैंने, बट इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मिल रहे थे, लाइक जैसे ये अभी थोड़ा लेमन के साथ ऑरेंज है वैसे ही डिफरेंट कॉम्बिनेशंस भी थे, बट हमने ये चूज़ किए, यहाँ पे ऐसे हार्ट बना हुआ है, बहुत क्यूट है और बहुत अच्छी क्वालिटी लग रही है, थिक है, हैवी है, इट्स नॉट लाइक थोड़ा सा भी कहीं लग के टूट जाएगा, ये हमें एक कप मिला है 550 रुपीज़ का एक कप है ये, ओ माई गॉड 550 रुपये का है यार, मैंने ध्यान नहीं दिया 550 रुपये का एक कप है ये, बट ठीक है क्यूट है, 549 का एक है तो तकरीबन 1100 रुपये में हमें ये 2 मिले हैं। दैट्स ऑल दैट आई गॉट फ्रॉम मोमोसो, बताओ आपको आपको फेवरेट चीज़ क्या लगी, मेरी फेवरेट चीज़ पता है क्या है इन सब चीज़ों में, ये क्योंकि अभी ट्रैवल मेक्स मी हैप्पी, सो एनीथिंग रिलेटेड टू ट्रैवल आई थिंक मेक्स मी रियली हैप्पी, तो शायद ये रीज़न हो सकता है। एनीवे ठीक है चलो अभी हम बढ़ते हैं आगे। हेलो जी व्हाट्सअप, हाय गोगो, क्या कर रहे है? मैं प्रॉपर्टीज देख रहा हूँ। प्रॉपर्टी शिफ्ट हो रहा है गोगो तू? जा नहीं रहा हूँ, मैं सपने सजा रहा हूँ। कहाँ? मेरे को एटलीस्ट आई थिंक 10 से 15 साल हो गए गोवा गए, तो मैं बस गोवा की प्रॉपर्टीज देख रहा हूँ कि मुझे 10 से 15 साल, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे 10-15 साल ही हो गए हैं। तुझे पता है, तुझे याद भी है मैं लास्ट टाइम गोवा कब गया था? हाँ तकरीबन 3 या 4 साल पहले। नहीं जी, उससे भी पहले गया था मैं गोवा।
मुझे याद ही नहीं मैं कब सोच ऐसी मेमोरी नहीं है. बॉम्बे में रहने वाला इंसान ये बोल रहा है कि मुझे याद ही नहीं मैं कब मतलब जो नहीं है उसके लिए रोना है. जो तुम थाईलैंड गए, यूके गए, ये सब तुम भूल गए. बस तुम गोवा नहीं गए तो तुम्हारी जिंदगी बहुत बेकार है. यूके में गया शूट पे गया वहाँ पे मेरे साथ लोग थे. थाईलैंड में तेरे साथ गया वहाँ पे मेरे साथ लोग थे. मैं मतलब मेरी सोलो ट्रिप हुई नहीं. तू सोलो ट्रिप कहाँ कर गई जरा बताना. सात समंदर पार यूएस घूम के आई है तू. कुछ 10-12 बार जा चुकी हूँ. अब तो डेफिनेटली मैं ही जाऊँ. हाँ मैं चाहती भी हूँ कि तुम ही जाओ अकेले. पर कब जाऊँ? मेरा तो अभी तो शो ये वाला शो चल रहा है ना. तो हाँ तो शो जब तुम्हारा कैरेक्टर रैप हो जाएगा तो चले जाना. अभी देख के क्या कर रहे हो? अभी ऐसे ही थोड़ा फील गुड फैक्टर हो जाता है ना. जैसे कमल पिछले 3-4 साल से बस प्रॉपर्टीज चेक ही करता है गोवा की. और फिर बेचारा जा नहीं पाता. बट यू नो व्हाट, मैंने एक बार बुक की थी. रिमेम्बर जब मैं राइड्स वगैरह के लिए जाता था रॉयल एनफील्ड का ना एनुअल फेस्ट टाइप कुछ होता है राइडर मेनिया करके. हाँ, तो मैं शूट आ गया था. मेरे को शूट आ गया. यस यस. हमारी दिक्कत एक तो ये भी नहीं, दिक्कत नहीं है. वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड दैट हमें काम मिल रहा है. तुम ना थोड़ा सा बी के शिवानी कम देखो. तुम ना अब हर चीज में ना वी शुड बी थैंक. ये देखो चुंडियां मार रहे चुंडियां. अब हुआ सही. अब हुआ सही. सीजंस होटल्स एंड स्पा. नहीं नानू जा. नानू को अगर तू जाएगा तो नानू जा जहां मैं हमेशा रुकती हूं. रुकती वहां तो नहीं जाऊंगा. तुमने अपने जासूस छोड़ रखे होंगे वहां. और क्या. हाँ मैं वहाँ पे जो मैनेजर है. हाँ, तो सब जानते होंगे मैम कि इस नाम का इंसान. हाँ, इस रूम नंबर में ठहरा. उस पर पूरी नजर रखनी है. क्या कर तू इस डिफरेंट एरिया में चला जाए जो दूसरा नानू है. नानू बीच रिजॉर्ट एंड स्पा बेताल बातिम. गोवा में ये भी कोई जगह है? वी डिडंट नो. 3910 है पर नाइट. हाँ तो इससे कम में कौन सा तुम्हें बीच एंड रिजॉर्ट मिल जाएगा भाई. फिर हॉस्टल में रह लो. हाँ अच्छा सोलो जा रहे हो ना तो हॉस्टल में रुक. नानू रिजॉर्ट मजाक कर रहा हूँ. मैं सोलो नहीं, मैं तेरे साथ मॉनसून एंजॉय करना चाहता हूँ गोवा जा. तो हम दोनों चलेंगे साथ में. नानू रिजॉर्ट आरंबोल का था ना. हाँ पर अभी मैं बहुत बोर हो गई. मैं पिछली 4 बार रुक चुकी हूँ नानू. नानू में मैत्री में भी मैं रुक चुकी हूँ. नानू में मैं 4 बार रुक चुकी हूँ. मतलब अगर देख अब अगर मैं तो सोलो ही जाना. आई थिंक यू शुड गो सोलो ओनली. वी विल गो टुगेदर. वन डे विल बी टुगेदर. टू डेज यू गो यू आई गो मी. ओके तो मैं अगर देख मैं जाऊंगी तो मुझे ये लगेगा कि मुझे अब जगह रिपीट नहीं करनी. कहाँ पे? मडगांव. हाँ तो ये उसके पास भी है. स्टेशन के पास भी है. मैं फ्लाइट में जाऊंगी पहले बता रही हूँ. तो मडगांव. अब तो तेरे को सीरियल भी मिला हुआ है. ले जाए एक ट्रिप करा दे मेरे को. अब तो कमा रहा है तू. क्या कह रही थी मैं सुना नहीं. सॉरी मैं ध्यान चला. तो अभी देखते हैं कमल का ये सपना गोवा जाने का पूरा होगा या नहीं होगा. या फिर कमल बस ऐसा ना हो जाए कि तू यही है फिर से और मैं गोवा निकल ली हूँ. इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस बार. नहीं अगर मैं जाऊंगी अकेले तो मैं गोवा नहीं जाऊंगी. अकेले गोवा नहीं जाऊंगी. आप तो छोटी मोटी ट्रिप जाती थोड़ी है. मेम साहब जाते हैं सीधा यूएस. और क्या बताइए. मैं यूके कब गई हूँ? एम्स्टरडम. फिर ब्लॉग बंद कर दिया था. उसके बाद हम लोग चिल करने लग गए थे. मूवी शूवी देखने लग गए थे. तो अब आज मैं वापस आप लोगों को अपने साथ रख रही हूँ. आज मुझे जाना है नेल्स करवाने. एक्चुअली अब मैं दे रही हूँ अपने नेल्स को ब्रेक. अब मैं सिर्फ जाके नेल पेंट करवा के आती हूँ. जेल वाला जो घर पे मैं नहीं कर सकती हूँ. आई डोंट हैव द राइट टूल्स फॉर इट जो चाहिए होते हैं. अदरवाइज मैं घर पे कर लूँ बिकॉज आई रियली वांट टू गिव देम अ ब्रेक. बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया मेरे नेल्स का क्योंकि बहुत पतले हो गए हैं बफिंग करवा के और बहुत चीज़ें हो गई हैं. सो अभी ऐसा कोई खास रीज़न भी नहीं है कि मैं ब्रेक नहीं दे सकती हूँ. कहीं ट्रैवल नहीं करना कहीं कुछ नहीं. नॉट दैट आई कांट ट्रैवल विद शॉर्ट नेल्स बट स्टिल यू नो वो हॉलीडे में थोड़ा फीलिंग आता ही है कि नेल्स करवा लूँ बढ़िया बढ़िया से. सो अभी कहीं जाना वाना है नहीं कुछ खास. तो मैंने कहा मैं ब्रेक दे लेती हूँ. ऑलरेडी आई थिंक मुझे 1 महीने से ज़्यादा हो गए हैं मैंने नेल्स नहीं करवाए हैं. मतलब जो एक्सटेंशंस या जो भी पूरा प्रोसेस होता है वो. तो अब मैं जा रही हूँ आज चेंज करवाने के लिए. एक्चुअली ये हाथ तो आपको ठीक लग रहा है. अगर आप मेरा ये हाथ देखोगे तो इसका बुरा हाल है. आप देखो नेल्स करवा के ये भी बड़ा बुरा हाल हो जाता है. ये जो है ये कोई डस्ट या डर्ट कुछ नहीं है ऐसा. दिस इज
फंगस, क्योंकि जब आप अपने नेल्स को बिल्कुल ब्रेक नहीं देते हो और उन पे हवा भी नहीं लगती है तो ये चांसेस होते हैं कि नेल में फंगस लग जाता है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है, इतना कुछ डरने वाली सीन नहीं होती, बट हाँ इसको प्रॉपरली मतलब ऐसा ध्यान देना चाहिए, ये इनको हवा देनी चाहिए। सो ये फंगस देख के मैं बहुत ज़्यादा इस बार डर गई थी, मैंने कहा यार कुछ बड़ा सीन ना हो जाए, तो आई विल गिव देम अ ब्रेक एनी वे। सो दिस हैंड इज स्टिल फाइन, बट ये तो बहुत बुरा हाल हो गया। कल रात को मैंने बैठ के काफ़ी सारा अपना जेल नेल पेंट ऐसे चिप कर दिया था। एनी वे बारिश हो रही है अच्छी खासी, मौसम बहुत अच्छा है, तो मैंने कहा निकला जाए। कमल गया है अंधेरी और मैंने सोचा कि मैं भी निकलती हूँ और थोड़े बहुत ये वाले काम करके आती हूँ, पेडिक्योर कराना है पेडिक्योर करवा लेती हूँ। उसके बाद मेरा मन है मुझे नाइट सूट खरीदने जाना है H&M। आई एम नॉट श्योर अभी मेरा मन होगा या नहीं होगा विव्याना मॉल तक जाने का H&M तक, बट अगर मन हुआ टाइम हुआ मन हुआ तो फिर मैं चली जाऊँगी, तो हम नाइट सूट्स वगैरह भी लेके आएंगे। ठीक है, तो आज का सीन यही है, बस छोटे मोटे ऐसी वाली चीज़ें करनी है। लेट्स गो। हो गए मेरे नेल, ये पिंक कलर करवाए बाय द वे जस्ट फीमेल ने मेरे नेल्स किए हैं। आई वाज जस्ट डिस्कसिंग विद हर कि हाउ यू नो आई जस्ट वांट टू गिव माय नेल्स अ ब्रेक एंड शी टोल्ड मी कि दिस इज नॉट रियली अ ब्रेक इफ यू इवन पुटिंग जस्ट द नेल पेंट, बिकॉज हवा लगने का मतलब है हवा लगना, तो अगर उसके ऊपर कुछ भी प्रोडक्ट है तो वो एक्चुअली हवा नहीं लग रही है एंड इट्स नॉट रियली अ ब्रेक। तो शी सेड के नेक्स्ट टाइम, अभी तो आप करवा लो बट नेक्स्ट टाइम आप अब ये सिर्फ रिमूव करवा जाना और नेल पेंट मत लगवाना। ठीक है, मतलब इट्स स्टिल बेटर देन नथिंग शी सेड, क्योंकि बहुत सारा काम नहीं हो रहा है नेल बेड पे, तो इट्स स्टिल बेटर बट इट्स नॉट रियली अ ब्रेक ब्रेक। तो नेक्स्ट टाइम अब मैं शायद ये भी नहीं करवाऊंगी, लेट्स सी। एनीवे नेल्स आर डन और पैरों पे भी मैंने सेम नेल पेंट सेम प्रोसीजर करवा लिया है। अब मैं कन्फ्यूज्ड हूँ कि मैं जाऊँ या नहीं विव्याना नाइट सूट्स खरीदने। बेसिकली क्या है ना, मैं ऑनलाइन चेक कर रही थी बट मुझे एक पर्टिकुलर फैब्रिक में ही H&M वाले नाइट सूट चाहिए। लाइक उनके पास हैं चार पांच डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक्स में उनके पास होते हैं नाइट सूट्स, बट मुझे ऑलरेडी जो मेरे पास हैं उनमें से मुझे पता है दो तरीके के फैब्रिक्स हैं जो मतलब इतने अमेजिंग है वो कि अभी तक मैं पता नहीं सोयो बार उसको उन नाइट सूट्स को धो चुकी हूँ बट दे स्टिल लुक द सेम। आई थिंक आप लोगों को पता होगा मैं किन नाइट सूट्स की बात कर रही हूँ जो H&M के यूजली मैं पहनती हूँ, बट H&M के नाइट सूट्स थोड़े महंगे हैं। अभी महंगे मतलब 3,500 तक के आते हैं विच इज महंगे राइट, बट इतनी अमेजिंग क्वालिटी है क्योंकि आई टेल यू मैंने क्योंकि ये बहुत महंगे हैं तो मैंने सोचा कि मैं किसी और ब्रांड का ट्राई करती हूँ एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैंने इंस्टाग्राम में मुझे ऐड आई थी कुछ माशा करके, आई थिंक स्लीपवेयर था, हाँ माशा करके, मैंने चार नाइट सूट्स उनसे मंगवाए, तीन या चार। तो मानोगे एक बार पहनने में उसके धागे निकलने लग गए, कभी रिंग से अड़ रहा है कभी वॉच से अड़ रहा है और धोने के बाद उसका बुरा हाल हो गया। H&M के नाइट सूट्स में ये सब कुछ मतलब धागे निकलना एंड ऑल दैट तो बहुत दूर की बात है, प्लस उसका जो फैब्रिक है ना यू डोंट हैव टू आयरन देम, ऐसे मुचड़ते नहीं है। तो सारी पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि H&M के नाइट सूट्स आर द बेस्ट नाइट सूट्स जो मैंने अभी तक पहने हैं। Anyway, so I'm just thinking. देखो बारिश भी बहुत अमेजिंग शुरू हो गई है तेज एकदम से, तो मैं सोच रही हूँ निकला जाए चलते हैं, बारिश भी इंजॉय हो जाएगी इस बहाने और काम भी हो जाएगा। ओके, सो मैं निकल गई हूँ अब बड़े गाने वाने इंजॉय करते हुए मॉल के लिए, विव्याना मॉल के लिए, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ सीधा H&M और सीधा नाइट सूट वाले सेक्शन में गई, लेकिन मेरा बहुत ही गंदा पोपट हो गया। काफ़ी ढूंढा मैंने, बट होता है ना कि एक कलेक्शन आती है फिर कई बार वो दोबारा नहीं आती है या फिर काफ़ी टाइम के लिए नहीं आती है, तो अभी ये वही वाला टाइम चल रहा था। बहुत अच्छे अच्छे नाइट सूट्स थे, प्योर कॉटन प्योर लिनन में भी थे, लेकिन जो लिनन वाले और कॉटन वाले जो मुझे पसंद आ रहे थे वो शॉर्ट्स के साथ थे, तो मैंने ना ऑनेस्टली नहीं लिए क्योंकि एक तो मुझे फुल लेंथ वाले पजामे वाले चाहिए थे और फिर मैंने कहा यार ज़बरदस्ती नहीं लेना मुझे, मेरे जब एग्जैक्टली वही वाले मिलेंगे तो मैं लूँगी, अगर फिर मुझे कोई और लेने हैं तो फिर मैं देखूँगी आराम से बैठ के कि मुझे कौन से लेने हैं। सो पोपट हुआ और मैं वापस निकल ली, कहीं और नहीं गई एंड सीधा अब मैं निकल ली हूँ अपने घर के लिए एंड व्लॉग को मैं यहीं पर फिनिश कर रही हूँ। होप यू गाइस एंजॉयड दिस व्लॉग, इफ यू डिड लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।